सोनिन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन के बारे में बताया था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम किसी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में हम इवेल्युएट कर सकते हैं। साथ में हम ये भी आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन में अगर हमारे पास अननोन वैल्यू अगर हमें दी हुई है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर, तो वो अननोन वैल्यू हम कैसे इवेल्युएट करते हैं जबकि दिया गया फंक्शन आपको कंटिन्यूअस हो। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे हम दो प्रकार के इंटरवल डिस्कस करेंगे, ओपन एंड क्लोज इंटरवल। तो किसी भी ओपन या क्लोज इंटरवल में हम अपने फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, ये आज हमारा मेन टॉपिक होगा। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल का साइन क्या होता है हमारे पास, लाइक दिस। इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए बी, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी है ओपन इंटरवल ए बी में, तो उस ओपन इंटरवल ए बी में कोई भी एक पॉइंट अपना चूज कर लीजिए जो आपको उचित लगता है। मान लीजिए हमारा इंटरवल 1 से लेके 0 से लेके 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब 0 से लेके 2 में हम कोई भी इंटरवल में से कोई भी पॉइंट चूज कर ले। मान लो हमने पॉइंट चूज कर लिया 1, अगर उस 1 पर या 1 के अलावा जितने भी हमारे पास वो पॉइंट है, अगर वहां पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल ए, राइट। पॉइंट क्लियर हुआ आपका। सेकंड हमारे पास है कंटिन्यूटी इन ए क्लोज इंटरवल। अगर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में निकालें, क्लोज इंटरवल का साइन हमारे पास क्या होता है, लाइक दिस। इसको हम क्लोज इंटरवल का नोटेशन कहते हैं। अगर हमें क्लोज इंटरवल में निकालना है, तो हमें क्लोज इंटरवल में दो भागों में से डिवाइड करना पड़ता है। पहला हम निकालते हैं अपनी कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल ए बी पर, ठीक है। देन उसके बाद हम निकालते हैं पॉइंट ए पर आर एच एल, क्या निकालते हैं, आर एच एल। और ये आर एच एल जो होना चाहिए वो फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। इसी प्रकार पॉइंट बी पर हम निकालते हैं एल एच एल, और इसकी जो वैल्यू होना चाहिए वो हमारे पास एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, क्लोज इंटरवल ए बी में हमारे पास सबसे आता है कि इनके बीच के भी पॉइंट हमारे पास होंगे, तो जो बीच के पॉइंट होंगे वो ओपन इंटरवल ए बी में आ जाएंगे हमारे पास, राइट। देन उसके बाद हम यहाँ पर एंड पॉइंट पर भी अपनी कंटिन्यूटी को इवेल्युएट करेंगे। अगर हम ए की अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन जो है ए के इंटरवल के बाहर चला जाएगा। तो हमें करना है क्या है कि जब हम ए की बात करेंगे तो हम मूव करेंगे ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ तभी मूव कर सकते हैं क्योंकि यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बी है वो ए से ग्रेटर है। तो हम ए की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जबकि बी की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट जो है एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। तो अब एग्जाम में अगर हम ये डेफिनेशन लिखने को आती है तो वो कैसे लिखेंगे वो समझ लें हम। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी। हम यहां पर क्लोज इंटरवल लिख देते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी लाइक दिस। इफ इट इज कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल में होना चाहिए। इट इज कंटिन्यूअस एट द एंड पॉइंट दैट इज आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, दैट इज लिमिट एक्सटेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। देन एल एच एल एट एक्स इक्वल टू बी, दैट इज लिमिट एक्सटेंड टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी। नाउ दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर टू फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन एन इंटरवल आइदर इज ओपन और आइदर इज क्लोज। आइए अब इसमें बस क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा कि एक्चुअली मैं आपसे क्या कह रहा हूं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन द ओपन इंटरवल -2, 1। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन जीरो एक्स प्लस टू
जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन। अब यहां पे देखिए जो हमारा ओपन इंटरवल दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें, -2 से +1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी अगर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल में निकालनी है तो उस ओपन इंटरवल के बीच का हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लें जिसमें हम फंक्शन को आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने करा क्या कि हमने मान लिया कि हमारे पास जो पॉइंट इजीली हमें यहां पर दिखाई दे रहा है -2 से +1 के बीच में, वो पॉइंट हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू 0 पर निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने शब्द यूज किया टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर। अब हमें करना है क्या है कि हमें सबसे पहले निकालना है फंक्शन की वैल्यू 0 पर। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर हमारे पास क्या मिल रही है, तो 0 हमारे पास यहां पर इक्वल टू साइन लगा है तो ये मिलेगा 0 + 2 = 2, यानी कि फंक्शन की वैल्यू मेरे पास 2 मिल रही है। देन सेकंड हमें इसका निकालना है राइट हैंड लिमिट। क्या निकालना है हमें, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0। क्लियर, तो राइट हैंड लिमिट निकालने चाहते हैं हम, तो आर एच एन इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, दिस इज द एफ ऑफ 0 + 0 विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 + h, या सिंपली कॉल्ड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच। अब 0 + h का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स ऐसा फंक्शन जहां पर हमारी वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर हमारे पास कहां दिखाई दे रही है, यहां पर दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, दिस इज अ लिमिट एच टेंड टू 0, दिस इज अ h+2। ओके, h+2 वैल्यू पुट करें हम यहां पर तो कितना मिलेगा, 0 + 2 विच इज इक्वल टू 2। तो आपको वैल्यू मिल रही है 2। अब हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे इसका हम एल एच एल इवेल्युएट करते हैं। तो एल एच एल इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज एल एच एल इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, दिस इज एफ ऑफ 0 माइनस 0 देन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। ओके, या सिंपली कॉल्ड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ -h। ओके, दैट इज लिमिट एच टेंस टू 0। अब हमारे पास 0 - h का मतलब हमारे पास क्या होता है, दैट मीन्स अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन विच एक्स इज लेस देन 0, जहां पर एक्स जो है 0 से लेस है। तो ऑब्वियसली वो कहां पे लाई कर रहा है, यहां पर, तो हम इस फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो क्या यूज करते हैं यहां पर हम, दिस इज अ -h of -1, राइट, वैल्यू पुट करिए -0 - 1 दैट मीन्स अ -1। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास -1 आ रहा है। तो हमने देखा कि आपके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहे। क्या नहीं हो रहा है, वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा है, क्लियरली क्लियरली एफ ऑफ 0 + 0 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 - 0। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल 0 - 2, 1। तो ये हमारा लॉजिक होगा सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार फिर से समझ लें जैसे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए।
हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी है ओपन इंटरवल -1 -2 1 में। तो हमने -2 1 के बीच में हमने कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया यहां पर 0। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा कि इसमें हमने यहां पर इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाली 0 पर, क्योंकि हम टेस्ट जो कंटिन्यूटी कर रहे हैं वो 0 पर निकालना चाहते हैं। तो 0 हमारे पास डिफाइन करके लिखा हुआ x+2 के लिए, तो जैसे ही मैंने यहां पर एक्स या 0+2 करा तो मेरे को 2 मिला। देन उसके बाद उसकी हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट का लॉजिक हमने अप्लाई किया। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि हम 0 की जो x की जो वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो वो x+2 पर डिफाइंड है। तो हमने h+2 ले ली, क्योंकि जहां जहां मेरे पास x आएगा वहां पर हमें h लेना है, तो 0+2 यानी कि 2 मिला। उसके बाद हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करी हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा फंक्शन जो होगा वो x<0> वाली कंडीशन पे लेना पड़ेगा, यानी कि x-1 लेना पड़ेगा। तो जहां पर हमारे पास x आ रहा है वहां पे -h हमने रख दिया, वैल्यू पुट करी तो -0 -1 किया तो हमें -1 मिला। तो यानी कि हमारे पास फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सिस कर रहे हैं लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो गए हमारे पास। इसको हम चाहे तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी कह सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि इसमें हम और क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, हम दो क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा कि अगर हमें कोई वैल्यू इवेल्युएट करनी है जबकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो वो कैसे हम इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ की इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x/3x व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड के व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इट्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है एक्स इक्वल टू 0। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले से ही पता है कि हमारी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। इस अजम्पशन को हम लेके चलेंगे। अब हमें क्वेश्चन में हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक लिमिट को इवेल्युएट कर लेते हैं जिससे कि हम उसे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल लेकर हम वो अननोन वैल्यू के को इवेल्युएट कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। सबसे पहले हमें क्या गिवन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एफ ऑफ 0+0 एफ ऑफ 0-0 इक्वल टू एफ ऑफ 0। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है हमें के, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द एफ ऑफ 0+0 इक्वल टू एफ ऑफ 0-0 इक्वल टू के। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं कोई भी एक लिमिट निकाल लेते हैं, आइदर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां मैं प्रेफर करूंगा राइट हैंड लिमिट को। तो यहां पर हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होती है एफ ऑफ 0+0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0+h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच। क्लियर, अब हम क्या करते हैं यहां पर वैल्यू को रखते हैं, दिस इज द लिमिट h टेंस टू 0, जहां पर भी मेरे पास x है वहां पर h रखते हैं, तो साइन 2h/3h। ओके, आप देखेंगे कि मेरे पास एंगल ऊपर कितना है 2h है जबकि नीचे मेरे पास कितना है 3 है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, दिस इज द लिमिट लिमिट h टेंस टू 0, 3 को हमने बाहर निकाल लिया एंड दिस इज द साइन 2h/2h। ओके, तो एज पर द रूल कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये लिखाएगा 2/3 × 1 विच इज इक्वल 2/3। फॉर्मूला हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, दिस इज द लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, राइट। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो 2/3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा k, दैट मींस हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2/3। ओके,
अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको सारे लेक्चर्स के लिंक वहां पर आपको अवेलेबल है। आइए अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट मींस आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू, यानी कि ऑलरेडी आपको फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है एक्स इक्वल टू टू पर। एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2 टू द पावर x + 2 माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर x - 16। ओके, हमें इस प्रकार से डिफाइन करके दिखा, जबकि x इक्वल टू पर हमें फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है। सेम इसी पैटर्न पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू, तो देयरफॉर एफ ऑफ 2 + 0 एफ ऑफ 2 - 0 इक्वल टू एफ ऑफ 2। ओके, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दिस इज द एफ ऑफ 2 + 0 एफ ऑफ 2 - 0 और क्वेश्चन में एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको दे रखी है के। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसके निकालने जा रहे हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज एफ ऑफ 2 + 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 + h। ओके, तो अब हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज द लिमिट एच टेंस टू 0 2 टू द पावर 2 + h + 2 माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 2 + h - 16। दैट मींस लिमिट h टेंस टू 0 2 टू द पावर 4 + h - 16 डिवाइडेड बाय 2 की पावर को यहां करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 टू द पावर 4 + 2h - 16। ओके, ये समझ में आया आपको, यहां पर हमने 2 4 लिखा था, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना लिखा आएगा इस तरीके से, या सिंपली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 की पावर है तो दोनों को फिर इस प्रकार सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे 2 की पावर 4 को हम यहां पर बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज द लिमिट एच टेंस टू 0। एक काम करते हैं इसको हम 4 की पावर ही लेने देते हैं, दिस इज अ 4 की पावर 2 + h, क्योंकि हमें पावर में बैलेंस करनी ऊपर हमें। अब यहां पर हमें 2 की पावर 4 लिखी है तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 को हमने बाहर निकाला, अंदर आएगा 2 की पावर h माइनस 1। क्लियर, नीचे कितना मिलेगा, मुझे 4 की पावर 2 अगर मैं बाहर निकालता तो 4 की पावर h माइनस 16 मिलेगा। राइट, 2 की पावर 4 का मतलब होता है मेरे पास 16 और 4 की पावर 2 का मतलब भी होता है 16। क्लियर, देन लिमिट h टेंस टू 0 2 की पावर h माइनस 1। अब देखिए यहां पे 4 की पावर h माइनस 16 लिख किया तो हम क्या ऐसे ले सकते हैं, 2 की पावर 2h - 16 यानी कि 2 की पावर 4। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 की पावर h - 4 और 2 की पावर यहां पर बनाएगा अपना 2 की पावर h - 1 और 2 की पावर h + 1। करेक्ट, इससे क्या होगा, 2 की पावर h - 1 हमारे पास कैंसिलेशन आएगा, एच टेन टू 0 को जब हम यहां पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 0 + 1 यानी कि 1/2। पुट इन फर्स्ट तो आपके पास कितना आएगा, दिस इज अ 1/2 इक्वल टू के, दैट मींस के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2। ओके, आइए इसको एक बार और समझ लें जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो करा क्या हमने, यहां पर सबसे पहले x इक्वल टू पे हमारे फंक्शन की वैल्यू इक्वल दे रखी है, तो फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने इक्वल किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसके हम राइट हैंड लिमिट निकाले 2 + 0 पर, तो हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ 2 + h आ गया। देन लिमिट x टेंड टू 0 जहां जहां मेरे पास x लिखा हुआ है वहां पे हमने h + 2 रख दिया,
तो एच प्लस टू रखेंगे तो टू प्लस टू कितना हो गया फोर, फोर प्लस एच हो गया -16, देन लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, नीचे भी हमारे पास टू प्लस एच हो गया। अब हमें करना क्या है यहाँ पे टू की पावर फोर का मतलब होता है 16, ठीक है, और ये भी 6 है, टू की पावर फोर को हमने न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लिया, तो न्यूमरेटर से हमने कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा टू की पावर एच -1। सिमिलरली यहाँ पे 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, और ये भी 16 है, तो 4 की पावर 2 को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 4 की पावर h -1, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो 2 की पावर h -1 2 की पावर h +1 हो गया, 2 की पावर h -1 2 की पावर h -1 से कैंसिल में आ गया, तो यहाँ बचा 2 की पावर h +1, हमने h इक्वल टू 0 पुट किया तो 2 की पावर 0 होता है 1, 1 +1 हो गया 2, यानी कि 1 अपॉन 2 मिल गया हमें, उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो हमारे पास k की वैल्यू 1/2 आ गई। तो यहाँ पे हमने आपको ये दो क्वेश्चन बताया। अब आइए मैं आपको एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, किसी इंटरवल में अगर हमें k की वैल्यू निकालनी हो या अननोन वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे इवेल्युएट कर। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम बात कर रहे हैं किसी भी फंक्शन के बारे में जहां पर हमें पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हमें नहीं दिया हुआ, यानी कि क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि हमारा फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, लेकिन आपको वो फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है। तो अब ये कंटिन्यूअस अगर हमें दे रखा है और हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे सामने आते हैं तो इन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द सीबीएसई सिलेबस। तो आप देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऑफ दिस मच इज कंटिन्यूअस। अब जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे सामने आते हैं तो हम हमें यहाँ पर थोड़ा सा एजम्पशन लेके चलना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है 2 और एक हमें दे रखा है 5, तो हम क्या करेंगे फंक्शन को 2 पर भी कंटिन्यूअस लेके चलेंगे और 5 पर भी कंटिन्यूअस लेके चलेंगे। ओके, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सपोज सपोज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 5। ओके, क्योंकि उसने क्वेश्चन में केवल कंटिन्यूअस होने के बारे में बोला है, उसने ये नहीं बोला किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस, इंटरवल से रिलेटिव हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, सॉरी एक्स इक्वल टू, यानी कि टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये कि हम ये इसके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करने जा रहे हैं इसकी, ठीक है, और वो हमारे पास इक्वल है, ये हमें पहले से गिवन है, गिवन एफ ऑफ 2 + 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 - 0। हम फंक्शन की वैल्यू यहां पर इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ 2 है, और जैसे ही मैं एफ ऑफ 2 को यहां रखूंगा तो 2 + 2 में ये 4 मिलेगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू मेरे पास 4 के इक्वल दे रखी है। तो ये वाली क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगी, दिस इज एफ ऑफ 2 + 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 + h। ओके, अब 2 + h का मतलब हो गया 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर कहां पर हमारे पास 2 < x के अंदर, तो यहां पर हम ये रख देंगे जहां जहां x है वहां पर हम 2 + h रख देंगे। तो यहां पर हमने लिखा दिस इज द लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज द a a 2 + h + 5। ओके, 2 + h + सॉरी 2 + h + b आएगा यहां। तो अब हमने लिमिट रखी तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज अ ए 2 + 0 + b विच इज द ए प्लस 2a + b। ओके, और यदि इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगी, ये होगी, तो दोनों बराबर हमारे पास आएगी, तो हमें उसकी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या होगी, दिस इज द दिस इज द 2a + b, 2a + b इक्वल टू 4। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2, क्लियर आपको ये चीज,
यहाँ पे हमने एक बार राइट हैंड लिमिट ही क्यों निकाले, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, हमें दूसरी वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, हम निकालेंगे टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू फाइव। ठीक है, हमारी टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी जो है एक्स इक्वल टू फाइव पर हम इवेल्युएट करना है। अगेन हमारे पास फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन गिवन एफ ओ फाइव प्लस जीरो एफ ओ फाइव माइनस ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ओ फाइव। अब फंक्शन की वैल्यू की बात करें, फंक्शन की वैल्यू कहां पर दे रखी है, हमें यहां पर दे रखी है, तो यहां पर हम करेंगे 3 इंटू फाइव माइनस टू, क्या करेंगे 3 इंटू फाइव माइनस टू, तो कितना मिलेगा हमको ये, दिस इज अ 15, 15 माइनस टू यानी कि 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में एफ ओ फाइव प्लस जीरो एफ ओ फाइव माइनस जीरो इक्वल टू 13, नाउ से दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम इसके निकालेंगे राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, तो राइट हैंड लिमिट निकाले हम, दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। ओके, एफ ओ राइट हैंड लिमिट का मतलब हमारे पास हो गया फाइव से ग्रेटर, यानी कि ये फंक्शन हम यूज करेंगे, तो यानी कि इसका मतलब हो गया फाइव से ग्रेटर अगर हमारे पास है तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम क्या करते हैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, इसको समझ लें कि हमने यहां पर इसके राइट लेफ्ट हैंड लिमिट ही क्यों निकाले हैं, इसको ध्यान समझ लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटरवल की जब बात करते हैं तो हमें यहां पर हमें देखना है कि अगर मैं राइट हैंड लिमिट इसकी निकालता तो मैं फंक्शन ये यूज करूंगा, तो ये यूज करूंगा तो वापस मुझे 13 मिल जाएगा, तो क्वेश्चन मेरे पास बनेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए इसकी राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं, तो हमें उसके लिए ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं फाइव माइनस जीरो इक्वल टू दिस इज द लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ओ फाइव माइनस एच दैट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो दिस इज द ए फाइव माइनस एच प्लस बी वैल्यू पुट करें हम, तो ए दिस इज द फाइव माइनस जीरो प्लस बी इक्वल टू फाइव ए प्लस बी। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर वी गेट, क्या मिलेगा हमको यहां पर, वी गेट दिस इज अ फाइव ए प्लस बी इक्वल टू 13। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर फाइव। अब हमें करना है क्या है, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर फाइव को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन टू एंड फाइव। अब टू और फाइव को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखा है टू ए प्लस बी और यहां पे लिखा हुआ है फाइव ए प्लस बी, तो हम क्या करते हैं, दिस इज अ फाइव ए प्लस बी इक्वल टू 13, दिस इज अ टू ए प्लस बी इक्वल टू फोर, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको मिलेगा दिस इज द थ्री ए, 13 माइनस फोर करेंगे हमको मिलेगा ये 9, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब इस ए की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन टू, इक्वेशन नंबर टू में हम रख दें। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू में हमने रखा, क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री प्लस बी इक्वल टू फोर, दैट मीन्स बी इक्वल टू फोर माइनस सिक्स दैट मीन्स अ माइनस टू। ओके राइट, नाउ ये हमने यहाँ पे आपका चार क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के हमारे पास हैं, जहां पर आज हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का यहाँ पर एंड होता है। लेक्चर के एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए जाते हैं, उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करिएगा। अगर आपको उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे कि आपको एक 12th के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हुई और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको चैनल में अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, जैसे कि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनिंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।